प्रणाम सर। कुछ रही। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। इसका नाम है बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कर का हित लाभ सिद्धांत। बेनिफिट बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। गुड इवनिंग सर। करारोपण का हित लाभ सिद्धांत। सर वीडियो नहीं दिखा रहा है। क्या बोले? वीडियो नहीं दिखाई दे रहा सर। जी कह रहे हैं वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, वीडियो कौन सी का देख रहा है? ब्लैक बोर्ड। आप ही सर नहीं दिखाई दे रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर दिखाई दे रहा है। इसको नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। उमेश जी को बहुत प्रॉब्लम है भाई। पूछिए, उमेश चंद्रा दिखाई दे रहा है बोर्ड? नहीं सर। स्लाइड को इधर कीजिए ना आप। उमेश जी स्लाइड को एडजस्ट कीजिए, उंगली फेरिए स्क्रीन पे एक दो बार, आ जाएगा। आया? नहीं सर जी। ऑफ करके फिर से कीजिए ऑन। आप क्लासरूम में इंटर किए हैं? अभी तक आप इंटर ही नहीं किए हैं। उमेश चंद्रा, लिस्ट पे तो उनका नाम ही नहीं देख रहा है।
उमेश चंद्र उमेश चंद्र मोतीलाल सर लगता है लीव कर गए हैं वो। अभी तो स्क्रीन पर आया था जी लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी, जी सर बोर्ड यह दिखाई दे रहा है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? हरिगोविंद बोलिए क्या लिखा हुआ है। करारोपण का हित लाभ का सिद्धांत बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है सब आदमी आया है? जी सर। सुनीता जी सर दिखाई दे रहा है? हाँ। ना उमेश चंद्र का ज्वाइनिंग खाता है उसका क्या गड़बड़ी किया है भाई? बेनिफिट का ही हिंदी होता है हित लाभ। बेनिफिट का हिंदी होता है बेनिफिट का हिंदी होता है हित लाभ। राम जी क्या बोले? क्या बोले? प्रणाम पूछो। कौन प्रणाम करो? नाम बताओ ना। उमेश जी। उमेश जी सर। उमेश चंद्र चलिए धमाकेदार एंट्री होता है तो कहते हैं लाइटें नहीं आ रहा है तो बोर्ड नहीं आ रहा है। 5 मिनट इसी में चला गया। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन करारोपण का हित लाभ सिद्धांत। हित लाभ का अंग्रेजी होता है बेनिफिट। बेनिफिट का हिंदी होता है हित लाभ। अब जैसे सड़क हो गया नेशनल हाईवे हो गया NH, पुल हो गया ब्रिज, अस्पताल हो गया इसको कहा जाता है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु सार्वजनिक वस्तु को सरकार उत्पादित करती है। सरकार उत्पादित करती है सार्वजनिक वस्तु को सरकार उत्पादित करती है। कहता है एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है प्योर।
प्योर पब्लिक गुड्स. Pure public goods. Pure public goods. जिसको 100% फ्री दिया जाए. सरकार जो है अभी दे रही है लॉकडाउन में चावल गेहूं चना, इसका पैसा लेती है? नहीं सर. उमेश चंद्रा जी सर, पैसा लेती है कि फ्री देती है? सर फ्री देती है सर सरकार. केंद्र सरकार का नाम हो जाएगा प्योर पब्लिक गुड्स. इसका नाम हो जाएगा प्योर पब्लिक गुड्स, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु. फ्री दे दे तो शुद्ध हो गया. शुद्ध पीडीएस के माध्यम से जो देती है सारा चीज, जैसे भी दे. पीडीएफ के मामले से तो अनाजे ना देगी, पल्स पोलियो कैसे देगी? ओ अभी सर वो सरकार जो हॉस्पिटलाइज कुछ भी देती है फ्री देगी तो. कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट हो रहा था सर, वो भी तो इसी तरह का था. कोविड का 19 का ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी है, बहुत जगह मास्क भी फ्री दिया गया है. सैनिटाइजर फ्री दिया गया है, खाना नाश्ता फ्री दिया जा रहा है. तो जो कुछ भी वस्तु सरकार जो है स्कूल में फ्री पढ़वाती है, बिहार में स्कूल फ्री है. वो बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें टीचर जो है स्पेलिंग लिखता था या टीचर से स्पेलिंग पूछता था तो एकदम गलत गलत बोलता था. तो उसे पूछा है बच्चा कि आप गलत क्यों पढ़ा रहे हैं? बोला कि तुमको फ्री दिया जा रहा है तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? फ्री है तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है या भारत की राजधानी कहाँ है. ये सब सिंपल सिंपल बात सब जो है जो सबको जानना चाहिए, उसका जवाब नहीं दे पाती थी. टीचर थी, टीचर था उसमें, ऐसे अब पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड किया करके वायरल किया. इससे बहुत क्षति हुई, विदेश उदेश में भी उसको लोग देखा. और जब गए तो हमसे पूछता था कि भाई ऐसा ऐसा देखे हैं. तो हंड्रेड परसेंट फ्री दिया जाए तो उसको कहा जाएगा शुद्ध सार्वजनिक वस्तु. अब मान लीजिए कि कुछ रुपया लेकर, कुछ रुपया लेकर भी पीडीएस में देता है 3 रुपये चावल, एक केजी
3 रुपया में चावल 1 केजी देता है। अब चोरी चमारी का बात छोड़ दीजिए, लेकिन 3 रुपया में कहीं भी 1 किलो चावल बाजार में नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि चावल का क्वालिटी ठीक नहीं रहता है तो सड़ा हुआ रहता है, तो ये रहता है, वो जो कहने को कह दीजिए, लेकिन जो ले जाता है वो ले जाके खाता है, और जो ये सब कहता है वो लेता नहीं। तो 1 केजी चावल के का 1 केजी चावल का रेट हो गया 3 रुपया। तो इसको हम कहेंगे 3 रुपया चावल, तो इसको कहेंगे कि ये इम्प्योर पब्लिक गुड्स है। कुछ पैसा लेके हुआ तो बोलेंगे इम्प्योर पब्लिक गुड्स। कुछ रुपया लेकर कोई वस्तु सरकार दे दे तो इसको इम्प्योर पब्लिक गुड्स कहते हैं। अब एक नियम है, टोल टैक्स। टोल टैक्स जो है, पुल मान लीजिए क्रॉस कर रहे हैं आप, तो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो आपसे मान लीजिए चार्ज लेता है 60 रुपये। कार से जाते हैं, कार से ट्रक से जाते हैं मान लीजिए तो 10 रुपया, आ कार से जाते हैं तो 10 रुपया। तो हमारे यहाँ बिहार में गंगा पुल है, गंगा पुल, तो गंगा ब्रिज पर कोई ट्रक क्रॉस करता है 60 रुपया दिया क्रॉस किया, कार क्रॉस किया तो 10 रुपया दिया क्रॉस किया, तो उसका नाम क्या हो जाता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, टोल टैक्स। टोल टैक्स लगता है, टोल टैक्स गंगा पुल ब्रिज क्रॉस किया तो 60 रुपया दिया, ट्रक क्रॉस कर गया 10 रुपया दिया, कार क्रॉस कर गया तो टोल टैक्स हुआ। तो सब कुछ में आप देख रहे हैं कि ये इम्प्योर पब्लिक गुड्स है। इम्प्योर पब्लिक गुड्स है कि थोड़ा सा पैसा लेके सरकार दे देती, फ्री है लेकिन फ्री अगर है तो प्योर पब्लिक गुड्स, फ्री अगर है तब उसका नाम हो जाएगा प्योर पब्लिक गुड्स, और अगर मान लीजिए इम्प्योर है, इम्प्योर पब्लिक गुड्स, तो इम्प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब हुआ कि थोड़ा सा उसको पैसा देना पड़ेगा, और प्योर पब्लिक गुड्स को कुछ भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। सरकार उत्पादन करती है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करती है या किसी भी वस्तु को प्राप्त करके बेचती है, तो सरकार 20 रुपए किलो चावल को खरीदती है लेकिन 3 रुपए किलो दे देती, तो इसको कहा जाएगा इम्प्योर पब्लिक गुड्स। 3 रुपए चावल देना, सरकार खरीदती है 20 रुपए किलो, देती है 4 रुपए, तो इसको कहा जाएगा पब्लिक फाइनेंस में इम्प्योर पब्लिक गुड्स।
और प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब हो गया कि 100% फ्री दिया जाए तो प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब हुआ कि 100% फ्री दिया जाए तो उसको बोला जाएगा शुद्ध सार्वजनिक वस्तु। लेकिन अगर कुछ कुछ पैसा दे करके दिया जाए तो उसको इम्प्योर पब्लिक गुड्स कहेंगे। अब कहता है ये मान लीजिए दो डिमांड कर्व है, ये आपको ये कार वाला है पुल क्रॉस कर रहा है, पुल सेवा सरकार दे रही है, ब्रिज सरकार जो है ब्रिज बना दी है नदी के ऊपर और आप क्रॉस कीजिए और उसको पेमेंट कीजिए। तो इसमें तो पुल एक ही है, इस पर चढ़ के जाएगा कार वाला भी जाएगा और ट्रक वाला भी जाएगा। ट्रक वाला भी जाएगा, कार वाला भी जाएगा। कार वाला का नाम दे दीजिए डी ए, ट्रक वाला का नाम दे दीजिए डी बी। और सपोज कीजिए कि पैसा देगा पी ए और ये वाला पैसा देगा पी बी। कर मान लीजिए कि ई देगा 40%, तो इससे असूलेगा 60%। तो ओ पी ए देगा 40%, ए है का वाला प्लस ओ पी वी देगा 60%। तो ये है आपको ट्रक वाला, मतलब टोटल आ जाएगा 100%, टोटल हो जाएगा 100%। 100% का मतलब हो गया कि जितना सरकार को चाहिए था तो दोनों को जोड़ने पर सरकार को मिल जाएगी। सरकार को चाहिए था 100, 40 लेगा कार वाला से, 60 लेगा ट्रक वाला से, 100 की प्राप्ति हो गई। तो ये प्योर पब्लिक गुड्स नहीं है, ये जो है टैक्स लगा के, टोल टैक्स दे के तब आपको गुजरना है।
इंप्योर पब्लिक गुड्स है। अब गौर से देखिए कि दो है डिमांड करने वाला, दो पार्टी है, एक है डीबी और दूसरा है डीए। डीए जो है कार वाला है और डीबी ट्रक वाला है, और ओएम हो गया OM जो है ब्रिज पुल की सेवा है, सेवा दोनों को दिया गया, दो गो डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व जो है आपको डिमांड कर्व डीए है, डीबी है, दोनों का डिमांड सरकार के सामने है। वो कार क्रॉस करा रहा है पुल से, वो कार ट्रक क्रॉस करा रहा है और दोनों पेमेंट कर रहा है। दोनों पेमेंट लेके सरकार संतुष्ट हो जाती है क्योंकि उसको 100 लगा था, 100 मिल गया। मोतीलाल जी सर, चित समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी सर, एक स्टीप है और एक दो कर्व है, दोनों का इंटरसेक्शन नीचे हो जाता है। हम लोग पुल क्रॉस करने का ओएम है, ओएम से लकीर ऊपर गया तो कहाँ टच कर रहा है, पहले ई पर टच कर रहा है, उसके बाद एफ पर टच कर रहा है। तो जहाँ टच कर रहा है उतना में बाएं मोड़ देंगे और उतना पेमेंट उससे वसूलेंगे। तो ई पॉइंट पर 40% पीए मिल गया, वो पीए, और एफ पॉइंट पर 60% मिल गया। अब इसी दोनों चित्र को और विस्तार करेंगे। अब देखिए इसमें डिस्टेंस हम लोग के पास जो है, डिस्टेंस हम लोग के पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 प्राप्त करने के लिए ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम है ME, इसका नाम है MF। ME को उठा करके, ME को उठा करके यहां ले आएंगे। ME को उठा के यहां ले आएंगे और यहां पर फिर इस यहाँ पर दोनों का बराबर है, तो ये रेखा जो हो जाएगा ये हो जाएगा DA प्लस DB। पिछले चित्र में जोड़े नहीं थे, आपको करके दिखा दिए, इस कर में हम आपको जोड़ रहे हैं। ये जो है कार वाला है डीबी, ये वाला है ट्रक वाला है डीबी, या कार वाला है डीए। दोनों को डिस्टेंस को एम ई डिस्टेंस को उठा के एफ पर सटा दिए, तो यहां हो गया पॉइंट जी। और देखिए इसी पॉइंट्स पर से पास करा देंगे, ये हो गया सप्लाई लाइन।
सप्लाई कर रहे, पूर्ति रेखा, ये हो गया मांग रेखा। ये हो गया मांग, और ये हो गया पूर्ति। कोई भी सरकारी वस्तु लेंगे उसका मांग और पूर्ति लेंगे, मांग का मतलब हो गया बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है इसलिए मांग आप कर रहे हैं। तो मांग का प्रॉक्सी क्या होता है, बेनिफिट का प्रॉक्सी होता है मांग। बेनिफिट को हम लोग मांग कहेंगे और कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ति। एक्चुअली सप्लाई कर्व के भीतर में क्या छिपा हुआ है, लागत। सप्लाई कर्व के भीतर क्या छिपा रहता है, सप्लाई। बोले सप्लाई हम तब करेंगे जब हमको कॉस्ट मिल जाएगा। तो पूर्ति, पूर्ति और मांग दोनों की रेखा कट रही है जी पर, इसी को हम लोग मान लिए हैं 100, और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि 40 वसूलेगा कार वाला से, 60 वसूलेगा ट्रक वाला से। ट्रक वाले का नाम, टैक्स का नाम हो जाएगा पीवी, कार वाले के टैक्स का नाम हो जाएगा पीए, और हम लोगों के पास हो गया ओ पी ए प्लस ओ पी बी इक्वल टू ओ टी। तो इधर हो गया पेमेंट, इधर हो गया रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट हमको चाहिए 100, 100 को वसूलेंगे कैसे, तो 40 वसूलेंगे एक पार्टी से और दूसरे पार्टी से वसूलेंगे 60, टोटल हो गया 100। अब इसी को समझाने में लिए 60 के बजाय 70 हो जाएगा, तो 70-30, इधर 70 इधर 30, दोनों जोड़ के 100 होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसका नाम परसेंटेज में कर देते हैं। 40% इससे लेगा, 60% इससे लेगा, अगर इससे 45 लेगा तो इधर जो है 65 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, इससे अगर 42 लेगा तो इधर हो जाएगा 58%। तो डिस्टेंस आपका जितना है उसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, एम ई को जोड़ना है, एफ एफ एम ई प्लस एम एफ इक्वल टू एम जी। देखिए जो लंब जो हम लोग लिए हैं, तो पहला लंब होगा हम लोग का एम ई, दूसरा लंब हम लोग का होगा एम एफ, और दोनों लंब को जोड़ेंगे कैसे, तो एम ई दूरी को उठा के एफ में साठ देंगे, एम ई दूरी को उठा के एफ में साठ देंगे, एम ई दूरी को उठा के एफ में साठ देंगे, तो बिंदु जहां आएगा वही बिंदु हो जाएगा जी, जी हो जाएगा एम जी। एम हो जाएगा तो बेनिफिट थ्योरी कहता है कि मांग की रेखा जो है
वो आपको मिलने वाले लाभ को दर्शाता है, हित लाभ को दर्शाता है. मोर बेनिफिट मोर डिमांड, लेस बेनिफिट लेस डिमांड. तो बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन कहता है कि जिस जिसको अधिक लाभ हुआ है, जिसको हित लाभ अधिक हो रहा है तो अधिक कर देगा, और जिसको हित लाभ कम हो रहा है वो कम कर देगा. क्योंकि कार वाला जो है ई बिंदु पर है वो नीचे है, एफ वाला जो है ई से ऊपर है, तो ट्रक वाला से वसूला जाएगा 60, तो कार वाला से वसूला जाएगा 40, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100. इसी को बोलेंगे OPA प्लस OPB इज इक्वल टू OT, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100. लंब जो जोड़े हैं वो लंब का चौड़ाई लंबाई देखिए, 40 वाले का लंबाई है ME, 60 वाले का लंबाई है MF, दोनों को जोड़ेंगे उसका लंबाई है MG, MG है 100. तो इसी को बोवेन महोदय, बोवेन बोवेन महोदय गोविंद महोदय ने बतलाया, गोविंद महोदय ने कहा कि आपका जो जी है वो टॉप पर है और वो 100% को बतलाता है. क्या खूबी है कि यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. क्या खूबी है यहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जी बिंदु पर डी बिंदु पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जी बिंदु पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई पाया जाता है. और ये जो हम लोग का वाई एक्सिस पर दिखाया गया इसको कर कहेंगे. वाई एक्सिस पर दिखाया गया तो उसको कर कहेंगे. भूवन महोदय का कहना है कि जहां पर डिमांड की रेखा और सप्लाई की रेखा दोनों एक दूसरे को काटे वही संतुलन बिंदु होगा, उसी पट्टी का निर्धारण होगा. अब चूंकि मांग को हम लोग बताते हैं हित लाभ, मांग को क्या कहते हैं हित लाभ, मांग को हित लाभ कहते हैं, मांग को हित लाभ कहते हैं और पूर्ति को लागत कहते हैं. तो जी बिंदु पर डिमांड बराबर सप्लाई है वो भी करेक्ट है, और
हितला बराबर लागत है वो भी करे, तो इसका अर्थ हो गया कि हितलाभ जो है वही आधार है कर का। जिस व्यक्ति को सरकारी वस्तु से अधिक हितलाभ मिलेगा वो अधिक कर देगा, जिस व्यक्ति को सरकारी सेवा से सरकार सार्वजनिक वस्तु से कम हितलाभ मिलेगा तो कम कर देगा, और दोनों के कर को जोड़ने पर लागत के बराबर पैसा निकल जाना चाहिए। लागत के बराबर पैसा निकल जाना चाहिए। मोतीलाल जी सर, ये चित्र अभी कंप्लीट चित्र हो गया, मांग भी आ गया पूर्ति भी आ गया, दोनों मांग को जोड़ करके इंटीग्रेटेड मांग की रेखा हो गई। तो इंटीग्रेटेड मांग की रेखा जो है वो एक्चुअली हितलाभ को दर्शाती है। मांग जो है वो शब्द हितलाभ का प्रॉक्सी है। जी। मांग क्यों करते हैं? क्योंकि हितलाभ हो रहा है, हितलाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट का हिंदी हितलाभ होता है। मोर बेनिफिट मोर डिमांड, मोर डिमांड मोर टैक्स, यही नियम हो गया। बेनिफिट जो है वो आपको अधिक हो रहा है तो हितलाभ अधिक हो रहा है तो सरकार उससे कर ज्यादा लेगी, जिसको हितलाभ कम हो रहा है उसे कर कम लेगी। इसी को कहा जाता है बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो गया सर। हाँ, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के अनुसार जिस कर व्यक्ति को अधिक बेनिफिट हो रहा है वो अधिक कर देगा, जिस व्यक्ति को सरकारी सेवा से कम बेनिफिट हो रहा है वो कम कर देगा। उदाहरण के लिए पुल लेंगे, ब्रिज पर जो टैक्स लगाया जाता है, ब्रिज ब्रिज ऑन रिवर, रिवर पर जो ब्रिज बनाती है सरकार, ये सार्वजनिक वस्तु होगी, सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड्स। इसको पब्लिक गुड्स कहेंगे। ब्रिज ऑन रिवर, पब्लिक गुड्स ब्रिज ऑन रिवर। और यही हो गया टैक्स रेट। टैक्स रेट बेस्ड ऑन बेनिफिट, टैक्स रेट बेस्ड ऑन बेनिफिट। पब्लिक गुड्स ब्रिज ऑन रिवर टैक्स लगाएंगे, तो ये बात किसने बतलाया? अर्थशास्त्री का नाम क्या है? बोवेन। बोवेन सिद्धांत का नाम है बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन।
कमीशन में कई बार आया है, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसका एक और नाम है एक्सचेंज थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। तो उस जब वो रहेगा तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बेनिफिट को ही कहता है एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज एक्सचेंज थ्योरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ अब बहुत लोग को हॉल में पता नहीं चला आया हुआ है यही क्वेश्चन, जो क्लास में ध्यान से पढ़े हुआ था लिख के चलाया। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेहनत कीजिए सही सही याद कीजिए। टैक्स रेट बेस्ड ऑन बेनिफिट है, इसलिए इसका नाम है एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। जो आपको बेनिफिट हो रहा है उसके एक्सचेंज में हम टैक्स दे रहे हैं, तो बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ही बोल सकते हैं, और सीवे एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन ही बोल सकते हैं। तब ये सुनीता सुनीता इसी को हम लोग बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कहेंगे, इसी को एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन कहेंगे। इस चित्र को जो जो लोग कॉपी पर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जी सर बनाया सर, बनाया। कॉपी पर जो बना हुआ है उसी को आपको पोस्ट कीजिए, तो व्हाट्सएप पर भेजिए, खींच के फोटो देखें किसका किसा है, भेजिए जल्दी। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन को ही एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। इसमें इम्प्योर पब्लिक गुड्स रहता है। इम्प्योर पब्लिक गुड्स इसलिए रहता है कि सरकारी वस्तु को कुछ पैसा लेकर के दिया जाता है, अगर 100% दे दिया जाएगा, कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो वो फ्री गुड्स हो जाएगा। प्योर पब्लिक गुड्स और इम्प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स और इम्प्योर पब्लिक गुड्स, दो तरह का पब्लिक गुड्स होता है, प्योर पब्लिक गुड्स और इम्प्योर पब्लिक गुड्स, दो तरह का कर होता है। नवनीत तुम्हारा ठीक है? अनित का भी ठीक है? मुझे ठीक है।
और गोविंद चौहान आपका भी सही है, अनित का भी सही है, नवनीत का भी सही है। नाइन जीरो ट्रिपल फोर किसका फोन नंबर है? मेरा भारत महान, और मेरा भारत महान वाला किसका फोटो है? मेरा है। क्या नाम है? मेरा है उमेश का, उमेश, उमेश चंद्रा जी सर। उमेश, उमेश का है जी, जी उमेश सर। चंद्रा का है। अच्छा महेंद्र आपका ठीक है? उमेश चंद्रा जी सर, आपका चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के लिए हम बोर्ड पर फिर से खींच रहे हैं, इस बार देखिएगा। सर जी हम अभी तक सर जी हमको सर दिखाई नहीं, हम खाली ऑडियो सुन रहे हैं सर जी, बार बार कट जा रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं सर, केवल हम ऑडियो सुन रहे हैं और एक आध बार दिखाई दे रहा फिर कट जा रहा है। बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं सर। तो आपके तब कोई गड़बड़ी होगी, सब आदमी को दिखाई दे रहा है, नेट का प्रॉब्लम है, कट जा रहा होगा। आपका नेट का देख लीजिए प्रॉब्लम होगा, या सेट में कहीं कुछ दबा दी है उल्टा सीधा क्या? मेरा भारत महान कह रहे हैं, आप ही का भारत है, हम क्या? सॉरी जान। हाँ जी, को बोर्ड नहीं आ रहा है, हम मेरा भारत आप एक बार अपना स्लाइड को खिसकाइए ना उंगली से, अरे उनको बताइए कैसे होगा। स्लाइड कर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बताइए क्या करें। दाएं बाएं कीजिए, हम लोग स्लाइड स्लाइड कीजिए ना, एक दो बार इधर उधर स्लाइड कीजिए, एडजस्ट होगा, कुछ और दिख रहा होगा आपको। एक दो बार स्लाइड को खिसकाइए उंगली से, स्लाइड कैसे? भैया वो सर्चिंग कर रहा है केवल, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सर्च सर्चिंग का मिस हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कट कट जा रहा होगा, नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम है। हां हां सिस्टर, कट जा रहा है, कट जा रहा है, बार-बार दिखाई नहीं दी एकदम ब्लैक बोर्ड। जगह चेंज कर दीजिए, जगह दूसरी जगह जाइए। हां भैया जगह बदल दीजिए, जहां पे 4G पकड़े वहां पे चले जाइए, बालकनी हो, कॉर्नर हो रूम का, बाहर खिड़की के पास हो, वहाँ पे नहीं पकड़ रहा होगा रूम में। चंद्रा ऑप्शन हो जाए और इंटरनेट कट गया, मेरा भारत महान। सर जी एकदम ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दिया, जब से परेशान है लगा हुआ है, लेकिन कैसे कहें परेशान है, देख लिया है कि हाँ सर जी पहुंच गए हैं, इंटरनेट कमजोर कर दो, 3G कर दिया होगा आपका।
सर जी चल ही नहीं रहा एकदम, तबियत परेशान कह नहीं रहे आपसे, इसलिए कि आप पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब कहां करें। ठीक है आप सुनिए, कम से कम सुनिए, बाहर जाइए ना जी, बाहर बाद में वीडियो देख लीजिएगा भैया, बाहर है। अच्छा बाहर है जी, तब आज वाला वीडियो आप आज वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा कल के लिए। देखिए अभी हम बोर्ड पर इस बात को बना रहे हैं, वीडियो अपलोड के समय भी हाँ सर दिखाई देना, हाँ सर जी दिखाई दे रहा है सब, अभी हम सब के लिए रिपीट कर रहे हैं, चित्र गलत नहीं होना चाहिए, कमीशन का चित्र है, मेरा भारत महान कह रहे हो, गलत नहीं होना चाहिए जी सर जी। इसमें क्या है ध्यान रखना है कि रेखा हम लोग जो खींचेंगे उस रेखा के खींचने में ध्यान क्या रखना है कि दोनों का जोड़ बनाना है, दोनों का जोड़ बनाना है ताकि ऊपर तक ले जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ हम लोग खींचे तो यहाँ खींचेंगे तो एक एक डॉट यहाँ होगा, एक डॉट यहाँ होगा, एक डॉट यहाँ होगा, तो नीचे वाले का नाम हम लोग दिए हैं एम ई और ऊपर वाले का नाम दिए हैं एम एफ। एम ई को उठा के एम ई को साइज को उंगली से उठा के यहाँ उंगली से रखिए, यहाँ पहुंच जाइएगा, और इसी का नाम हम लोग दिए हुए हैं जी। अब आराम से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए पूर्ति की रेखा। अब ध्यान रखना है लोगों को दो बात, बिंदुओं के मेल से रेखा बनती है, एक बिंदु जी हम लोग को मिल गया है, दूसरा बिंदु हम लोग कहाँ से लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होने का मतलब कि दोनों बराबर है, तो यहाँ पर अंदाज से ये डिस्टेंस उठा के यहाँ लगाएंगे तो ये डिस्टेंस उठेगा क्रॉस वाले का, तो लगभग यहाँ पर पड़ेगा बुंदा नीचे वाला और दोनों मिलके, और यहीं से पास करा देंगे, टच नहीं करा देंगे, डिमांड रेखा को क्रॉस नहीं करा। आपके में गलती क्या हो गया है कि आपका एग्रीगेट डिमांड रेखा है वो डिमांड रेखा को काट रहा है, वो वैसा कटना नहीं चाहिए, सब अलग अलग रहे, पहला बूंदा जी लेंगे और दूसरा बूंदा लेंगे जो जहां इंटरसेक्शन है वहां से ले लेंगे, बराबर बराबर दूरी है, और तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे यहां से यहां, और तब उसके बाद यहां मिलाएंगे पहला, दूसरा यहां मिलाएंगे, तीसरा यहाँ हो जाएगा, यही टी ए हो गया, यही पी बी हो गया, यही पी ए हो गया। अगर ये 40 मानते हैं तो ये 60 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग मानते हैं डी बी तो इसको मानेंगे डी ए, और इसको मानेंगे फिर डी ए प्लस डी बी, डी ए प्लस डी बी। डी एस प्लस डी बी बराबर हो जाएगा डी एस डी ए प्लस डी बी, दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ जहां कटेगा वही सप्लाई हो जाएगा। तो उत्तर हो गया डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। संतुलन के लिए इकोनॉमिक्स में संतुलन के लिए डिमांड बराबर सप्लाई चाहिए, यही पॉइंट है डिमांड बराबर सप्लाई, डिमांड बराबर सप्लाई। टैक्स का निर्धारण हो गया, अब इसका नाम हो जाएगा पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स, और इसका नाम हो जाएगा
टैक्स रेट इसी को बोलेंगे बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेनिफिट, इसी को कमीशन में पूछ देता है कभी कभी एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज एक्सचेंज थ्योरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। अब चित्र एकदम क्लियर हो रहा होगा? जी सर। कभी भी डीए प्लस डीबी रेखा को किसी में टच मत कराइए। एक पॉइंट जी है, दूसरा पॉइंट ले लीजिए जहां डीए डीबी का इंटरसेक्शन है, उस डिस्टेंस का डबल ले लीजिए, डबल दूरी लेके वहां बिंदु छोटा लगा के वहां से खींच लीजिए, दो बिंदु खींच के ले लीजिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत आसान है, डिमांड सप्लाई का खेल है। इसी को बोला जाता है बोवेन मॉडल। बोवेन मॉडल ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ बोवेन मॉडल ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। बोवेन मॉडल ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, कंक्लूजन पर आ रहे हैं। क्या कंक्लूजन बोवेन मॉडल ऑफ बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का है? कि पब्लिक फाइनेंस में सरकार को कर चाहिए ही चाहिए, और सरकारी व्यय करके जनता को सेवा भी देना उसका कर्तव्य है। तो जनता को सेवा देगी उसको कहा जाएगा बेनिफिट। कितना सेवा देगी तो बेनिफिट, हित लाभ का। ठीक है, हित लाभ आपको हम देंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को सरकारी वस्तु से प्योर पब्लिक ये इम्प्योर पब्लिक गुड से लगाव है, वो थोड़ा सा पैसा चुका के ले जाएगा, और पुल को क्रॉस करना है तो टोल टैक्स देकर ले जाएगा। टोल टैक्स का फिक्सेशन हम करेंगे बेनिफिट प्रिंसिपल के आधार पर। कार वाले को बेनिफिट जो होता है उससे ज्यादा बेनिफिट होता है ट्रक वाले को, तो ट्रक वाले से हम ज्यादा पैसा लेंगे कर का, कार वाले से कम पैसा लेंगे। कैसे निर्धारण करेंगे? का निर्धारण होगा डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड ए का और डिमांड बी का दोनों को जोड़ करके एक समग्र मांग की रेखा निकालेंगे, जो कि दोनों कार वाला और ट्रक वाला दोनों को जोड़ के निकल गया। और उसके बाद पूर्ति जो है हॉरिजॉन्टल है, पूर्ति हॉरिजॉन्टल है। आप पढ़िए, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़े हुईगा कि इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट।
जिसको हिंदी में कहेंगे लागत समता सिद्धांत, उत्पत्ति लागत समता सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को बोला जाएगा उत्पत्ति, इसी को कहा जाएगा उत्पत्ति लागत, उत्पत्ति लागत समता, उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूर्ति फिक्स होती है, सप्लाई रेखा फिक्स कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल रेखा कांस्टेंट होता है। तो उत्पत्ति लागत समता सिद्धांत है, सब सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक है कार वाला एक है ट्रक वाला, उदाहरण काल्पनिक लिया गया, ब्रिज को क्रॉस करता है दोनों, अब दोनों से कैसे कर वसूला जाए। तो हितलाभ सिद्धांत कहता है कि जिसको हितलाभ सार्वजनिक वस्तु से हितलाभ अधिक हो रहा है उसको अधिक कर देना है, जिसको सार्वजनिक वस्तु से हितलाभ कम हो रहा है उसको कम कर देना है, उसको कम कर देना है। तो इसलिए सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन सरकार करेगी और मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में उसको उपयोग करने के लिए कहेगी। मिस्टर ए कार को क्रॉस कराएगा 50 दे देगा टैक्स, मिस्टर बी जो है ट्रक को क्रॉस कराएगा 60 दे देगा टैक्स, 40 और 60 जोड़ के 100 हो जाएगा, परसेंटेज में लेंगे तो 100% प्राप्त हो गया, जितना लागत लगा उतना रिटर्न आ गया। इसलिए देखिएगा कि 25 साल के बाद पुल का पूरा पैसा वापस आ जाता है टोल टैक्स, तो उस पुल को फ्री कर दिया जाता है और फ्री कर दिया जाता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है, जितना टैक्स बनाने में लगा था जितना खर्च हुआ था सरकार को वो सारा का सारा पैसा रिटर्न हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा भी पुल है जो पहले टैक्स लगता था आज फ्री है, जैसे हमारा गंगा सेतु, बिहार में गंगा पुल पर जो गंगा ब्रिज बना हुआ है पहले लगता था, ट्रक गुजरता था 60 रुपया देता था, आज ट्रक गुजरता है कुछ देना नहीं है क्योंकि वो जितना पैसा लगा था उतना वसूल हो गया, 25-30 साल पहले से जुड़ा हुआ रहता है कितने दिन में रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकलता है कि हित लाभ के आधार पर, हित लाभ के आधार पर कर के दर को निर्धारित किया जाएगा, इतलाब के द्वारा कर के दर को निर्धारित किया जाएगा। इतलाब के आधार पर कर के दर को निर्धारित किया जाएगा, जिस व्यक्ति को सार्वजनिक, जिस व्यक्ति को सार्वजनिक
सार्वजनिक वस्तु से अधिक हित लाभ होता है। तो वह अधिक कर वहन करेगा। अधिक कर देगा। जिसको इतलाब कम मिलता है जिसको इतलाब कम मिलता है वह कम कर देगा। सब आदमी समझ गए इस बात को। अधिक कौन देगा जिसको सरकारी वस्तु से अधिक इतला मिलता है, कम कर कौन देगा जिसको सरकारी वस्तु से कम इतला मिलता है। दोनों से मिला हुआ जो कर होगा वो निश्चित रूप से टोटल करने पर कुल लागत के बराबर होगा। और लागत को दिखलाता है पूर्ति रेखा और हितलाभ को दिखलाता है मांग की रेखा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। जिसको हित बराबर ध्यान में रखिए कारवार वाला बात समझ में आ जाएगी। कार वाले को कम हित लाभ है, ट्रक वाला का अधिक हित लाभ है। दोनों का रेट एक समान नहीं होगा, तो एक का ज्यादा होगा एक कम होगा। और दोनों को जोड़ने पर उतना पैसा जरूर आ जाना चाहिए जितना कि पुल बनाने में निकलेगा। तो पुल बनाने में एक दिन में कर आएगा नहीं, रोज वसूलाएगा वसूलाएगा वसूलाएगा, 25 साल में जाके पूरा होगा। लेकिन किसको कितना देना है इस बात का निर्धारण करेगा, इस बात का निर्धारण किया जाएगा। That's all. Thank you, sir. प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए।